अरे बाबूजी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उस भिखारी को कहा कि भाई छुट्टे नहीं है, तो वो कहता यूपीआई से ट्रांसफर कर दे, ये रहा मेरा क्यूआर कोड। इतना गंदा जोक भी नहीं था मेरे हिसाब से, थोड़ा तो हंस ही सकते थे भाभी जी। अभी पिछले महीने गोवा गया था मेरा बेटा, ये आईफोन 13 लेके आ गया, वो भी मैक्सी प्रो। प्रो मैक्स होता है वो अंकल, मैक्सी तो मम्मियां पहनती है। 1.5 लाख का फोन है जी। मैंने कहा बेटा इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है, तो कहता पापा पैसों की कमी थोड़ी है। मैंने कहा ये भी सही है। फिर तो काफी अच्छा कमाता होगा आपका बेटा। और नहीं तो क्या भाभी जी, सरकारी नौकरी है, महीने के 1.5 लाख कमाता है। आईएएस ऑफिसर भी तो नहीं कमाता। हाँ जी बेटा। हाँ जी, वो मैं पूछ रहा था कि आपने कभी जेवलिन थ्रो ट्राई किया अंकल? नहीं तो क्या होता है वो बेटा? आपको जेवलिन थ्रो नहीं पता? नहीं। ओलंपिक्स में होता है अंकल। अच्छा अच्छा। उसमें ना बहुत लंबा फेंकना होता है डंडा। डंडा को बहुत लंबा फेंकना होता है, जिसने भी सबसे लंबा फेंका वो जीत गया। आपने कभी ट्राई नहीं किया? मुझे लगा आप एक्सपर्ट होंगे फेंकने में। बड़ा मजाक किया है मेरा बेटा। यूट्यूबर है ना, कॉमेडी करता रहता है। घर चल तू, आज जैवलिन थ्रो दिखाती हूँ तुझे मैं। कुछ भी बोलता रहता है। महीने के 1.5 लाख, वो भी सरकारी नौकरी। साला शादी में नॉनवेज तो रखा नहीं बुड्ढे ने, चिकन खाने आया था मैं, ऊपर से EMI पे खरीदी आईफोन दिखा रहे मम्मी के सामने। अभी घर जाके मम्मी मेरे को सुनाएगी इसका बेटा ये, इसका बेटा वो। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है आज। आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं भाभी जी, बच्चे तो मस्ती मजाक करते ही रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बेटा एक बात बताओ। जी अंकल। तुम कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? शिट, इसे पता तो नहीं चल गया मैंने 4 महीने से वीडियो नहीं डाली। ठीक ठाक कमा तो लेते हो ना? वो क्या है ना, मैंने कहीं पे सुना था कि यूट्यूब ज्यादा देता नहीं है, खासकर छोटे यूट्यूबर्स को। अरे कहाँ खो गए बेटा? जी कुछ नहीं अंकल। अरे शर्माओ मत, बताओ बताओ कितना कमा लेते हो? 20,000, 25,000, कितना? कहाँ अंकल, यूट्यूब तो 30% काट ही लेता है। क्या बात कर रहे हो, 30% काट लेता है? फिर तो बहुत कम मिलता होगा बेटा। हाँ अंकल, टैक्स वैक्स लगा के महीने के मुश्किल से यही